आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। वहीं भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा देश के प्रधानमंत्री के 8 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा नीमच श्री यादव मंदिर सत्यनारायण मंदिर परिसर में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट, जिसमें डॉक्टर स्वप्निल वधवा, जलज जैन, कैलाश धाकड़, गोविंद राठौर, महिपाल सिंह चौहान आदि डॉक्टर मौजूद रहे। इस चिकित्सा शिविर में शुगर, ब्लड प्रेशर सहित अन्य बीमारियों की जांच निशुल्क की गई। साथ ही आयुष्मान कार्ड से मिलने वाले लाभ और बनवाने के लिए जागरूक भी किया गया और जिन चिकित्सकों ने कोरोना काल में सेवाएं दी है उनका भी सम्मान किया गया। इस शिविर में लगभग 50 से अधिक लोगों ने अपना परीक्षण करवाया और साथ ही दवाई गोली भी वितरित की गई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के 8 साल पूर्ण होने पर श्रृंखला में हमने काफ़ी कार्यक्रम करे हैं पूरे देश भर में। उसी श्रृंखला में आज ये कार्यक्रम हमने यहाँ एक शिविर रखा है। इसके अंतर्गत हम निशुल्क जांच कर रहे हैं मरीजों की और जो मरीज जिनको आयुष्मान भारत के बारे में नॉलेज अभी भी नहीं था उनको नॉलेज दे के और उनके आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए उनकी सहायता कर रहे हैं और जिन मरीजों ने आयुष्मान कार्ड में जिनको लाभ मिला है उनका सम्मान किया है। जिन स्टाफ ने बहुत हमारी मदद करी थी कोरोना काल में उन लोगों का भी हमने यहाँ आज सम्मान करा है इस कैंप में और इस तरीके से हमने आज इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग सारी प्रकार की बीमारियों के जो भी मरीज को कंप्लेंट्स हैं उसके हिसाब से हम लोग इलाज जांच कर रहे हैं और शुगर की जांच, ब्लड प्रेशर वगैरह की जांच हमने निःशुल्क करी है। यहाँ अभी तक करीबन 50 व्यक्ति इस शिविर का लाभ ले चुके हैं और अभी और आ रहे हैं। तो ये था आप तक का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।